दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है द क्वाइट अर्थ। कहानी की शुरुआत होती है और दिन रहता है 5 जुलाई, एक नॉर्मल सी सर्दियों की सुबह जब सूरज देर से उगता है। समय रहता है 6:11 और सूरज लगभग उगने ही वाला होता है कि तभी दिखाया जाता है सूर्य के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट के कारण हर जगह अंधेरा छा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें जैक हॉबसन को दिखाया जाता है जो कि सुबह 6:12 पर उठता है और डेली की तरह अपनी दिनचर्या को फॉलो करता है, खाना खाता है, कपड़े पहनता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पे भी रुकता है और वहां से वो पेट्रोल भरवाता है। फिर उसके बाद वो जब पैसा देने के लिए किसी को ढूंढता है तो उसे वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता, जिसके कारण उसे लगता है शायद इसका मालिक कहीं गायब है, तो इसलिए वो बिना पैसे दिए आगे बढ़ चलता है। लेकिन जब वो जैसे जैसे शहर में आगे बढ़ता है तो उसे पूरे शहर में एक सन्नाटा दिखता है, कोई भी व्यक्ति उसे दिखता ही नहीं है। शुरू में तो इसे ये नॉर्मल बात लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो और आगे जाता है तो वो एक प्लेन को गिरा हुआ पाता है जो कि क्रैश हो गया होता है। और ये देखने के बाद जैक हॉबसन पूरी तरीके से घबरा जाता है और उस प्लेन के पास जाता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती है उसे वहाँ एक भी लाश नहीं मिलती। और फिर वो और भी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो जाता है, इसके बाद लोगों को ढूंढना शुरू करता है लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने ऑफिस डेलिंको में जाता है। डेलिंको दोस्तों एक US की स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है जो साइंस पे रिसर्च करती है। जैक हॉबसन उसी रिसर्च फैसिलिटी का एक साइंटिस्ट होता है और वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर ऑफिस के अंदर भी उसे कोई भी नहीं मिलता है और वो सबको बुलाता है, अपने दोस्तों को, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो एक लैब में जाता है तो वहाँ पे उसे अपना एक को पार्टनर या फिर कह लें सहपाठी उसको मिलता है जो कि उसी का दोस्त रहता है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरीके से जल गया होता है और कंप्यूटर पर दिखा रहा होता है प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट कंप्लीटेड। अब ये प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट क्या होता है? प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट दोस्तों अमेरिका का एक बहुत खुफिया मिशन होता है जिसके तहत ये लोग एक सीक्रेट वेपन बना रहे थे जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन देश के सैनिकों को बिना लड़े मारा जा सकता है। यहाँ पे जब ये पढ़ता है प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट कंप्लीटेड तो इसे लगता है प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट के नाते ही ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद वो उस रूम से निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों पूरे लैब के अंदर अलार्म बजने लगता है और दिखाया जाता है कि उस लैब में रेडिएशन फैल गया होता है जिसके कारण वहाँ पर जितने भी दरवाजे होते हैं वो एक के बाद एक बंद होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बीच जैक फंस जाता है, लेकिन वो किसी प्रकार से एक बॉम्ब पाता है और उसको दरवाजे पे लगा के वहाँ पे उड़ा देता है और फिर उसके बाद उस टूटे दरवाजे के जरिए से बाहर जाता है। एक वो टेप रिकॉर्डर निकालता है और उसमें रिकॉर्ड करता है कि प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट सफल तो हो गया पर इसमें बहुत लोग शायद मारे जा चुके हैं और बहुत लोग नहीं शायद पूरी दुनिया हमने ख़त्म कर दी है। साथ ही साथ वो ये भी रिकॉर्ड करता है कि शायद मैं वो आखिरी इंसान बचा हूँ जो इस धरती पर बचा हुआ हूँ, पर मैं क्यों बचा हूँ ये मुझे नहीं मालूम। और वो इस पूरे फेनोमेना को एक द इफेक्ट नाम देता है। हालांकि ये जो भी मैसेज जैक ने खुद रिकॉर्ड किया होता है उसको अपनी बातों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो सबसे पहले एक हफ्ते तक दूसरे इंसानों को ढूंढता है। उसे लगता है कि कोई तो होगा मेरे जैसा, जैसे मैं बच गया वैसे और भी लोग तो होंगे दुनिया में जो बचे होंगे, इसलिए वो सबसे पहले लोगों को ढूंढना शुरू करता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे अगर आप इस दुनिया में अकेले फंस जाएं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अब जैक भी वही करता है जो आप सोच रहे थे। वो अपने छोटे से घर को छोड़ देता है और शिफ्ट हो जाता है एक आलीशान मैंसन में और बहुत मौज करना शुरू कर देता है। जहाँ पाता खाता, जहाँ पाता घूमता और मतलब जो मर्जी आता वो करना शुरू कर देता है। कभी ट्रेन चलाता, कभी महंगी महंगी शराब पीता और जहाँ मर्जी वहाँ जाना शुरू कर दिया। एक तरीके से मानो वो पूरी धरती में एक अकेला आज़ाद प्राणी हो और पूरे मज़े करता है। लेकिन दोस्तों कब ये मज़ा उसका सजाम बदल जाता है उसे मालूम नहीं चलता। धीरे धीरे जैक की जो मानसिक स्थिति होती है वो अकेलेपन के कारण डिप्रेशन में बदल जाती है और वो अब धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल होने लगता है। उसे अब हेलुसिनेशंस भी आना शुरू हो गए थे जहाँ पर वो कभी कभार किसी को देखता लेकिन जब वो देखने जाता तो उसे कोई नहीं मिलता। अक्सर वो लड़कियों को देखता था लेकिन जब वो लड़की से मिलने जाता तो उसे कोई नहीं मिलता था, इसलिए वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा पागल होना शुरू हो गया था।
जैक दोस्तों उसको एक आइडिया आता है कि मैं इस धरती पे अगर अकेले बचाऊं तो क्यों ना मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाऊं। इसके बाद दोस्तों वो कुछ फेमस लोगों का पुतला लाता है, जैसे कि एडोल्फ हिटलर, एलिजाबेथ और अमेरिका के जाने माने जो हस्ती थे, सबका पुतला लाता है और व्हाइट हाउस के सामने लगा देता है और खुद व्हाइट हाउस के छत पे अनाउंस करता है, भाइयों और बहनों, आज से मैं इस अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। सॉरी, अमेरिका का ही क्यों, मैं आज से इस क्वाइट अर्थ का प्रेसिडेंट हूँ और जो मैं कहूँगा वो आप लोग को करना होगा। और वो अपने आप को इस अर्थ का प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। ओवरऑल दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों वो मजे तो कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों के ना होने के कारण पावर ग्रिड सप्लाई कट जाती है, मतलब जो लाइट होती है वो चली जाती है और वो अब पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद वो एक चर्च में जाता है, एक बंदूक लेता है और चर्च में जाके जीसस को शूट करता है। और फिर उसके बाद जीसस को शूट करने के बाद वो कहता है, अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, अब मैं इस धरती का भगवान बन चुका हूँ क्योंकि मैं आखिरी व्यक्ति बचा हूँ। मतलब कि भैया एकदम सनक गया था, पगला गया था, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आसान शब्दों में। जैक को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहा था, इसलिए वो आखिरकार पूरी तरीके से थक हार कर एक शॉटगन को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और फायर करने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो शॉटगन को किनारे रख देता है कि तभी दोस्तों उसे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखती है। लेकिन उसे लगता है कि मैं फिर से हेलुसिनेशन कर रहा हूँ, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है और अपने घर चला जाता है। अब जो जैक रहता है वो अपने पुराने लाइफ में चला गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे मेंटली पीस की ज़रूरत है, इसलिए वो शांति से एक छोटे से घर में जाके रहता है अब, और एक जनरेटर लाया होता है जिसके द्वारा उस घर में बिजली आ रही होती है। जब वो अपने घर में जाके डेली की तरह कॉफ़ी वगैरह बना रहा होता है कि तभी दोस्तों उसके पीछे एक औरत आती है और उसके पीछे वो बंदूक दिखा देती है और कहती है, तुम कौन हो। जैक इतने दिनों बाद एक इंसान को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और वो लड़की की भी वही कंडीशन थी जो जैक की थी। यह दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पे जैक और जोआनी, जो कि उस लड़की का नाम था, यह दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। यह दोनों जाते हैं साथ में, मज़े करते हैं, शहर में घूमते हैं और पूरा इंजॉय करते हैं। भाई अब उसको एक पार्टनर मिल गई थी तो अब तो भाई उसको क्या ही फ़र्क पड़ना था। और कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे तरफ अट्रैक्टेड होकर सेक्स भी करते हैं। और अब मैं दोस्तों एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, अगर इस दुनिया में आप और आपकी सबसे प्यारी क्रश हो मौजूद हो तो आप क्या करेंगे, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों ये दोनों बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें एक तीसरा सर्वाइवर भी मिलता है जिसका नाम रहता है एपी, और इसको जैक ने ढूंढा होता है। एपी जब पहली बार जैक से मिलता है तो वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैक और एपी के बीच दोस्ती हो जाती है और जो जैक रहता है वो एपी को अपनी गर्लफ्रेंड जोआनी से मिलवाता है और ये तीनों आपस में मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। और अब तक जो मज़ा ये दोनों कर रहे थे और अब ये तीनों भी करने लगे थे वो मज़ा। एक दिन ये तीनों जंगल में इंजॉय कर रहे थे और फायरवर्क्स का मज़ा ले रहे थे कि तभी यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे सवाल पूछते हैं, ये बताओ तुम कैसे बचे इस पूरे आपदा के दौरान। इस पे जैक सबसे पहले एपी से पूछता था, ये बताओ ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट पहले तुम क्या कर रहे थे। इस पे एपी बताता है, दरअसल मेरे और मेरे दोस्त के बीच फाइट चल रही थी। दरअसल एपी एक गैंगस्टर था और इसको एपी को किसी ने पानी के अंदर डुबा दिया होता है और इसके गर्दन पे पूरी तरीके से फोर्स होता है और ये बिल्कुल मरने की कगार पे होता है। लेकिन जैसे ही वो मर गया होता है कि तभी वहाँ पे एक फेनोमेना होती है और उसका दोस्त उसके सामने से गायब हो जाता है। और जब वो उठ के देखता है तो वो इसी कंडीशन में आता है कि पूरी दुनिया में सब कुछ गायब हो चुका था। इसके बाद एपी उस लड़की से पूछता था, ये बताओ जोआनी तुम्हारे साथ क्या हुआ। जोआना कहती है कि मैं अपने बालों को सुखा रही थी जहाँ तक मुझे याद है, और मेरा हेयर ड्रायर में शॉर्ट सर्किट हुआ और मुझे कुछ देर के लिए मौत जैसा लगा, जैसे मैं बेहोश हो गई थी। और जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा कोई इंसान दिखा ही नहीं जो मेरे आसपास हो। वहीं दोस्तों जब ये लोग जैक से पूछते हैं तो जैक बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियाँ खा ली थी जिसके कारण मैं थोड़ी देर के लिए कोमा में चला गया था। इसके तीनों के दोस्तों बयान के बाद हमें ये मालूम चलता है कि जब ये लोग अधमरे हालात में थे, जो भी लोग अधमरे हालात में थे दुनिया में, वो लोग इस पूरे इंसिडेंट में बच चुके हैं। मतलब कि ये तीन सर्वाइवर्स के अलावा और भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, कौन ढूंढने जाए, इन तीनों को तो मज़ा आ रहा है तो ये तीनों मज़ा कर रहे थे। लेकिन
यहाँ पे जैक के अंदर ही गिल्टी रहती है, क्योंकि वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो जैक के अंडर में हो रहा था और जैक की वजह से ही दुनिया में इतने लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन हालांकि वो उस समय नहीं बोल पाता उनसे। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे इन तीनों के बीच अब एक लव ट्रायंगल बनता जाता है। जो जोआनी रहती है, जो पहले जैक से प्यार करती थी, अब धीरे धीरे वो एपी की तरफ अट्रैक्टिव होती है और एपी भी जोआनी की तरफ अट्रैक्टेड होता है। वहीं जैक अब अकेला पढ़ने लगता है, लेकिन जैक इन सभी बातों से हटकर अपने रिसर्च पे फोकस करता है, जहां पर उसे अपने रिसर्च से मालूम चलता है कि यह जो फेनोमेना है वो सूर्य के विस्फोट के कारण हुआ और सूर्य का विस्फोट बहुत जल्द एक बार फिर से होने वाला है और इस बार जो विस्फोट होगा उसमें हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। और ये जो सूर्य में विस्फोट हो रहा था, द प्रोजेक्ट फ्लैश लाइट की वजह से हो रहा था। और ये सारी बातें जब वो अपने दोनों दोस्तों को बताता है तो सबसे पहले ये दोनों उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और इवन जो एपी रहता है वो इसे मारने के लिए भी उठ जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जोआनी रहती है वो एक बंदूक के दम पे दोनों को रोक देती है और कहती है, तुम दोनों शांति बनाए रखो, हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे एपी कहता है, दोस्त अगर हम तुम्हारे उस लैब को ही उड़ा दें, उस मशीन को उड़ा दें, तब तो सब कुछ शायद ठीक हो सकता है। इस पे जैक कहता है, तुम्हारी बातों में दम है एपी। इसके बाद दोस्तों ये दोनों जाते हैं एक मिलिट्री स्टेशन पर, जहां पर ये लोग खूब ढेर सारे बॉम्ब उठाते हैं और एक ट्रक के पीछे बांध देते हैं। और इन लोग का प्लान ये रहता है कि सबसे पहले वो लोग उस ट्रक को ले जाएंगे, उसे लैब फैसिलिटी में जाकर रख देंगे, फिर उसके बाद जब लोग इस ट्रक को ब्लास्ट करेंगे तो सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा और वो मशीन ही नहीं रहेगी, तो कोई यहाँ पे इंसिडेंट आगे होगा ही नहीं। इन लोगों का प्लान काफी क्लियर होता है। इसके बाद रात के समय ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लोग उस फैसिलिटी के पास जा रहे होते हैं तो यहाँ पे जैक को मालूम चलता है उसकी डिवाइस के द्वारा कि इस पूरे क्षेत्र में रेडिएशन फैल चुका है और ये वो बात अपने दोस्तों को बताता है। तो वो लोग कहता है, अगर यहाँ पे रेडिएशन फैल चुका है तो हम आगे कैसे जाएंगे और अगर आगे नहीं जा पाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसके बाद ये तीनों यहाँ पे अपना अपना प्लान बताते हैं। इस पे जैक कहता है कि मैं एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाता हूँ और उस रिमोट कंट्रोल ट्रक को हम सीधे यहाँ से भेजेंगे उस लैब के अंदर, फिर हम उसे ब्लास्ट कर देंगे। फिर वहां से दोस्तों जैक चला जाता है और कहता है, मैं इसको बनाने की व्यवस्था करता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों उस कमरे में दो लोग बसते हैं, एपी और जोआनी, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्टेड रहते हैं कि उसी समय जमकर सेक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ। करने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के बाहों में पड़े होते हैं तो इसे एपी बताता है, पता है कल सुबह होते ही मैं वो ट्रक खुद चला के ले जाऊंगा और उस बिल्डिंग में जाके लड़ा दूंगा। मुझे नहीं भरोसा लगता कि जो जैक है वो ऐसा मशीन कुछ बना पाएगा। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें गेट के बाहर से ट्रक की आवाज़ आती है और इस ट्रक में बैठा होता है जैक और वो अपना सेक्रीफाइस करने आगे जा रहा होता है। एपी और जोआनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो जैक रहता है वो अपनी ट्रक को ले जाकर सीधे उस बिल्डिंग में भिड़ा देता है और अपने आप को उस ट्रक के साथ ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी उड़ जाती है और स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है और एक बार फिर से हमें डिस्प्ले पे वही रोशनी दिखाई जाती है जो सन विस्फोट के समय दिखाई गई थी। और इसके बाद दोस्तों हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अब अलग ही प्लेनेट पे जा चुका था, जहां पर कई सारे प्लेनेट सामने से राइज हो रहे थे और बादल अजीब से वाटर ड्रॉपलेट के शेप में थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और लिटरली इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी में बहुत बड़ा सस्पेंस छूट जाता है कि आखिरी में हुआ क्या। तो दोस्तों डायरेक्टर ने इसके बारे में कुछ भी खास बताया नहीं है, लेकिन इस मूवी में बहुत सारे थ्योरीज लगाए गए हैं, तो आइए उनमें से मैं आपको सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि हुआ क्या था। लास्ट में जब जैक अपने ट्रक को ले जाके भिड़ाता है ना, तो वहां पे इतनी ज्यादा कॉस्मिक रेज पैदा होती है जिसके द्वारा जो जैक रहता है वो अलग ही यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। यह भी दोस्तों एक धरती होती है, लेकिन इस धरती का सिस्टम अलग होता है। इस धरती के सामने कई सारी ग्रह होती है और इसके बादल बड़े अजीब से होते हैं। अब हो सकता है जैक जिस धरती पर टेलीपोर्ट हो गया है, मतलब चला गया है पैरेलल यूनिवर्स में, वहां भी इंसान हो या ना हो, यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर एपी और जोआनी की,
दोस्तों ये दोनों जिस धरती पे थे वहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू हो चुके थे। तो इस दुनिया को बचाने के लिए जैक ने अपनी कुर्बानी दी। हालांकि वो जिस पैरेलल यूनिवर्स में गया, क्या अभी भी वो अकेला है या फिर उसे लोगों का साथ मिला, यह तो दोस्तों सब्जेक्टिव मैटर है। ये ऑडियंस को अपने ऊपर छोड़ दिया गया है कि ऑडियंस डिसाइड करे कि क्या लगता है आपको। ओवरऑल दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी द क्वाइट अर्थ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।